कि हम सब पे किसी ने काला जादू किया है। तो अब मसला ये है कि उनकी जो बताए हुए वजायफ है वो तो हम कंटिन्यूस लास्ट 2 ईयर से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम हो नहीं रहा है। और लास्ट कुछ ये 10-15 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं अपने घर में जो है कुछ जो है वो एंटिटीज महसूस करती हूँ कि कोई जैसे चलता फिरता है, मुझे दिखते नहीं है, जैसे साए से है वो गुजरते हैं, या ऐसा होता है कि हम किचन में मैं काम कर रही हूँ तो वो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, या फिर ये कि वो डिफरेंट आवाजें मैं सुनती हूँ, जैसे कोई मुझे, मैंने एक दफा सुना कि किसी ने मुझसे कहा कि जादू खत्म नहीं हुआ है आप लोगों पे से या आप पे से। और एक बिल्ली मैंने अपने बेडरूम के बाहर देखी है कि वो रेड रंग की है और ग्रे से उसके ऊपर स्ट्राइप्स है, और वो कंटिन्यूस मुझे जो बैग के दरवाजे की चौखट से जो है वो झांक रही है और कंटिन्यूस मतलब देख रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब क्या चीजें जो मतलब चलते फिरते हमें महसूस होती है मुझे घर में बहुत ज्यादा। आपने जो कैफियत बताई है उसके लिए आप ऐसा करें, 7 अजानें रोजाना घर में दें। 7 अजानें कोई मर्द भी दे सकता है, औरत भी दे सकती है, क्योंकि इलाज की अजान है, ये नमाज की अजान नहीं है, औरत के लिए देने की इजाज़त है। तो घर के सेंटर में, कि ड्राइंग रूम में या घर का सेंटर है, वहाँ खड़े होके ये 7 अजानें देनी है, और 7 अजानें देने में हर अजान के बाद जो है वो एक सिमत की तरफ फूंकना है। यानी पहली अजान जब आप दें, यानी क़िबले की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएँ, पहली अजान दें तो दाएँ तरफ फूकें 3 मरतबा, दूसरी अजान दे तो बाएं तरफ 3 मरतबा फूंकें, और तीसरी अजान दे तो सामने 3 मरतबा फूंकें, और चौथी अजान दे तो पीछे 3 मरतबा फूंकें, और पांचवी अजान दे तो आसमान की तरफ 3 मरतबा फूंकें, और छठी अजान दे तो ज़मीन की तरफ 3 मरतबा फूंकें, और सातवीं अजान दें तो किबले की तरफ 3 मरतबा फूंकें। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में वेस्ट की तरफ, मगरबी की तरफ किबला है, तो मगरब की तरफ और किबला की तरफ सेम डायरेक्शन हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो वो वहाँ पे इस तरीके से 7 आपने फूंकना है, 7 अजानें देनी है। एक कटोरे में पानी पास रखना है, उस पानी पे भी फूंकते रहना है, वो पानी घर में छिड़कना है। ये 21 डेज आपने बिला नागा करना है। ज़बरदस्त अमल है, किसी किस्म का जिन भूत घर में नहीं रहेगा, और जो भी किस्म का जादू टोना होगा वो बिल्कुल कट जाएगा और आपके कामों की रुकावट दूर हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।